हाय एवरीवन वेलकम बैक टू डी के शर्मा एडिकेशन हब आज हम करेंगे चैप्टर नंबर थ्री ऑफ योर जोग्राफी एन क्लास नाइन्थ का एंड चैप्टर का नाम है ड्रेनेज ड्रेनेज सिस्टम बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है इसमें आप गंगा रिवर इंडस रिवर एंड ब्रह्मपुत्र रिवर के बारे में स्टडी करोगे स्टार्ट करने से पहले इंपॉर्टेंट चीज़ें बता देती हूँ कि नोट्स ऑलरेडी आपके बना रखे हैं मैंने आपको क्या करना है जस्ट गो टू द टेलीग्राम चैनल नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा वहाँ से इसको डाउनलोड कर लेना ठीक है हर एक छोटी सी छोटी चीज़ यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट है एक भी शब्द यहाँ भी आपको एक्स्ट्रा नहीं मिलेगा जो कि ऐसे है कि जिसका कोई यूज़ नहीं है ठीक है हर एक शब्द इस पी में आपको इंपॉर्टेंट मिलेगा मुझे इंपॉर्टेंट लगा कि आपको इसकी पी देनी चाहिए बिकॉज एन से डायरेक्ट ट्रेडिंग करोगे तो आपको बहुत सारी चीज़ें याद भी नहीं रहेंगी ठीक है सो दैट्स वाई आई मेड दिस नोट्स आपको मैं सारे कंपाइल करके पीडीएफ और टेलीग्राम चैनल के ऊपर प्रोवाइड कर दूंगी यहाँ पे भी कुछ चीज़ें हैं जो कि मैंने ऑलरेडी लिख रखी हैं तो अब ड्रेनेज सिस्टम को अगर स्टार्ट करेंगे फ्रॉम द एनसीआर डायरेक्टली तो ये बहुत बोरिंग हो जाएगा एज वेल एज़ आपको समझ भी नहीं आएगा सो आई एम स्टार्टिंग इट फ्रॉम द नोट्स सबसे पहले आपको कुछ टर्मिनोलॉजीज दिखेंगी जैसे कि वाटर डिवाइड ये वाटर डिवाइड होती क्या चीज़ है तो दो शब्दों से बना है वन इज़ वाटर सेकेंड इज डिवाइड यानी कि पानी का डिवीजन कर दिया हुआ है तो आप सुनते हो ना अम्बाला वाटर डिवाइड के बारे में जब आप अम्बाला वाटर डिवाइड के बारे में सुनते हो तो वो एक रेज पार्ट है एलिवेटेड पार्ट है उसके साइड से एक तरफ से भी पानी जा रहा है दूसरी तरफ से भी पानी जा रहा है तो वाटर हो गया ना डिवाइड एक रेज्ड पार्ट है जिसने वाटर को दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया तो इस तरफ जाती है आपकी इंडस इनकी ट्रिब्यूटरीज बेसिकली होती हैं पर ओवरऑल अगर देखें और एक तरफ जाती है गंगा तो इंडस और गंगा के बीच में जो वाटर डिवाइड एक्ट करता है वो है अम्बाला अंबाला आपने सुना होता है ठीक है सो वाटर डिवाइड क्या होता है एक एलिवेटेड एरिया होता है जैसे कि माउंटेन हो सकती है या फिर कोई उठा हुआ हिस्सा अपलैंड हो सकता है जो दो वाटर बॉडीज़ को सेपरेट कर देता है अब इंडिया के अंदर ड्रेनेज सिस्टम की बात करें तो दो तरह के हैं कौन कौन से हैं एक है हिमालयन रिवर्स यानी कि ऐसी रिवर्स जो कहाँ से ओरिजिनेट करेगी हिमालय से हिमालयस में भी कहाँ से तो ग्लेशियर्स होते हैं ग्लेशियर से ऑरिजिनेट करेंगी ऐसी रिवर्स जो ग्लेशियर से ऑरिजिनेट करेंगी साथ में पैरिनियल होंगी पेरिनियल का मतलब है जिनका फ्लो ट्वेल्व मंथ्स चला रहता है यानी कि पूरा साल उनमें पानी रहता है पैरिनियल है यस yes, रेनफॉल भी उनके वाटर के वॉल्यूम को इंक्रीज़ करता है कब करता है देखो अब जब बारिश होगी तो उनका वाटर वॉल्यूम अल्टीमेटली इंक्रीज करेगा ठीक है पर रेनफॉल जो है वो परमानेंट सोर्स नहीं है इन रिवर्स के लिए परमानेंट सोर्स क्या है तो ग्लेशियर्स हैं उसके बाद लॉन्ग कोर्स रहता है इनका यानी कि लंबे टाइम तक ये चलती रहती हैं और इनकी लेंथ भी लंबी होती है इरोजनल एक्टिविटी ये परफॉर्म करती है बहुत सारी चीज़ें तोड़ ताड़ के अपने साथ लेके जाती हैं बहुत सारी सिल्ट सैंड इनके बारे में हमने देखा था क्ले सिल्ट सैंड पैबल्स के जैसे पैबल्स होती हैं उनका साइज़ सबसे बड़ा होता है क्ले का साइज़ सबसे छोटा होता है ये हम चीज़ें कर चुके हैं ठीक है ठीके? सिल्ट उसके बाद आती है और सैंड थोड़ा सा पैबल की तरफ को आ जाता है तो एक सीक्वेंस हमने ये ऑलरेडी देख रखा है अब देखो यहाँ पे लिखा है कि जो ये पैनिनियल रिवर्स हैं तो आप ज़्यादातर देखोगे कि ये ईस्ट डायरेक्शन में फ़्लो करती है ईस्ट का मतलब है ये अगर आपका इंडिया है तो यहाँ पे बे ऑफ बंगाल ईस्ट में है एंड अरेबियन सी पड़ जाता है आपका वेस्ट डायरेक्शन आपको डायरेक्शन डिवाइड करनी आनी चाहिए वहीं से ये चीज़ एनालाइज़ हो जाएगी तो बे ऑफ बंगाल में ये ड्रेन करती हैं ठीक है ठीके? तो वो सारी चीज़ें आपकी किस में आती हैं हिमालयन रिवर्स में क्या क्या बनाती हैं तो फ्लड प्लेन्स बनाती हैं ऑक्सबो लेक मियान्डर मियांडरिंग सांप की तरह होता है ना और जब इरोजन हो जाती थी तो यहाँ से एक छोटी सी लेक निकल के आती थी जिसको बोलते थे ऑक्सबो लेक डेल्टा हमने देखा है सुंदरबन डेल्टा के बारे में आप बार बार पढ़ते हो तो ये चीज़ें कुछ हमने कर ली हैं और कुछ यहाँ पर आपको आज नहीं मिलेंगी दूसरी एग्जाम्पल इसमें देख लूँ इंडस रिवर गंगा रिवर ब्रह्मपुत्र रिवर आज का जो लेक्चर रहेगा आपका नाइन्थ क्लास में बाकी जो डिटेलिंग आएगी ट्रिब्यूटरीज की एक एक ट्रिब्यूटरी इंपॉर्टेंट हो जाती है वो हम देखेंगे अपकमिंग लेक्चर्स के अंदर बट जितना आपको नाइन्थ क्लास के अकॉर्डिंग पता होना चाहिए वो सारे यहाँ पे एडिड है इवन कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स भी आपको मिल जाएंगे सेकेंड टाइप जो आती है वो है आपकी पैनिनसुलर रिवर पेनसुलर रिवर की मतलब का क्या मतलब है पेनंसूला हमने लास्ट के लेक्चर्स में ऑलरेडी देखा है ऐसा हिस्सा ऐसा लैंडमास ऐसा टेरिस्ट्रियल एरिया जो कि तीन तरफ से पानी से कवर्ड होता है तो हम देखते हैं इस तरफ बे ऑफ बंगाल है यहाँ पे अरेबियन सी आ जाते हैं नीचे इंडियन ओशन आ जाता है तो तीनों तरफ क्या है पानी है तो ऐसी रिवर जो इस पेनसुलर पार्ट में फ्लो करती हैं ठीक है मतलब यहाँ पे ग्लेशियर से अब कोई लेना देना नहीं है और जो वाटर आएगा वो कहाँ से आएगा ओनली फ्रॉम द रेनफॉल जो बारिश का पानी इकट्ठा होता है उसी से ये रिवर्स बनेगी तो इसी वजह से इनको बोल देते हैं कि ये सीजनल हैं सीजनल मतलब जब रेनी सीजन चलेगा तभी ये जो रिवर्स होंगी आपको देखने को मिल जाती हैं शॉर्ट हैं शैलो कोर्सिज इनके रहते हैं कभी दिखेंगी कभी नहीं भी दिखेंगी ठीक है डिपेंडिंग ऑन द साइज फ्लोज मोस्टली इन ईस्ट बट नर्मदा एंड तापी आर वेस्ट फ्लोइंग अब क्या बोला यहां पे? Important point है यहाँ पर इंपॉर्टेंट पॉइंट है काफ़ी यहाँ पे क्या बोला मोस्टली तो ईस्ट की तरफ ही जा रही है बे ऑफ बंगाल क्यों ईस्ट की तरफ ही क्यों जाती हैं बिकॉज हम ऑलरेडी कर चुके हैं वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट्स को जहाँ पे हमने देखा था जो वेस्टर्न घाट है हमारे जो वेस्टर्न घाट हैं वो एक तो कॉन्टिन्यूस हैं और साथ में थिक भी काफ़ी ज़्यादा है और इनका जो ऑल्टीट्यूड है वो भी काफ़ी ज़्यादा है इफ़ कंपेयर टू द ईस्टर्न घाट ईस्टर्न घाट में हमने देखा था एक तो डिसकॉन्टिन्यूस है बीच में पहाड़ी आएगी फिर गैप आ जाएगा फिर से पहाड़ी आएगी फिर से गैप आएगा और इनका जो ऑल्टीट्यूड है वो भी कम है तो वाटर का कहां से फ्लो होगा फ्रॉम हाई टू लो तो इसी वजह से ईस्ट की तरफ आप देखोगे पर पर कुछ एक रिवर्स जो इंपॉर्टेंट वन है वो तो नर्मदा और तापी है वैसे कई सारी वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स आपको केरला वाले एरिया में भी मिल जाएंगी जो कि आपको मिलेंगी वेस्ट फ्लोइंग बट एनी वेज यहाँ पर हमें सिर्फ नर्मदा और तापी का पता होना चाहिए जहाँ पे हमने बोला कि जो नर्मदा और तापी हैं दे आर वेस्ट फ्लोइंग यानी कि इनकी ड्रेनिंग कहाँ पे होगी जाके तो इनसाइड द अरेबियन सी तो अरेबियन सी में जाके ये ड्रेनेज शो करती है ठीक है सो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें थी जो कि आपको ध्यान में रखनी है अब हम स्टार्ट कर रहे हैं विद द इम्पॉर्टेंट पॉइंट दैट इज़ इंडस रिवर सिस्टम एक फर्स्ट जो हमारे पास ड्रेनेज सिस्टम आएगा वो है इंडस रिवर सिस्टम ये मैप जस्ट लेमन है आपको जस्ट लोकेशंस याद करवाने के लिए इस तरह से बनाया हुआ है सो ज़्यादा स्पेसिफिक नहीं होना है ठीक है सो सबसे पहले आपने मानसरोवर लेक के बारे में सुना होगा यहाँ से ओरिजिनेट करती है अपनी इंडस रिवर इंडस रिवर का सिर्फ वन थर्ड हिस्सा जो है वो इंडिया से जाता है बाकी जो बाकी का जो रेस्ट ऑफ द हिस्सा है वॉल्यूम है वो कहाँ पे है पाकिस्तान में देखने को मिलता है ठीक है सो यहाँ पे इंडस से रिलेटेड क्या चीजें आपको इंपॉर्टेंट हो जाती हैं वो है एक सेकेंड मान सरोवर, ठीक है सो जो इंपॉर्टेंट चीज है वो है इनकी ट्रिब्यूटरीज अब ट्रिब्यूटरी कैसे याद रखोगे सबसे इंपॉर्टेंट जो यहाँ पे रिवर है वो तो है हिंडस क्या है इंडस सॉरी हिंडस बोल दिया, इंडस इसकी बहुत सारी ट्रिब्यूटरीज हैं जो इंपॉर्टेंट वन है वो है आपकी झेलम चेनाब रावी एंड सतलज क्या है झेलम चिनाब रावी सतलज इसी सीक्वेंस में आपको ये याद रखनी पड़ेगी ठीक है इसी सीक्वेंस में आपको ये याद रखनी पड़ेगी होता क्या है सबसे पहले आती है झेलम झेलम जुड़ जाती है इंडस के साथ जाके अगली जो ट्रिब्यूटरी है वो है चेनाब पर चेनाब डायरेक्टली इंडस को नहीं कनेक्ट करती ये आपकी इंडस है ये कभी भी इंडस को डायरेक्टली कनेक्ट नहीं करती ये पहले कनेक्ट करेगी झेलम को एंड झेलम के सॉरी जो चेनाब है वो सबसे पहले किसको कनेक्ट करेगी झेलम को मिलके चलेगी आगे उसके बाद आती है नेक्स्ट रिब्यूटरी जो कि रावी है रावी भी क्या करती है झेलम से ही कनेक्ट करती है पहले ठीक है सबसे पहले क्या करेगी झेलम से ही कनेक्ट करेगी उसी तरह से आपकी नेक्स्ट आती है दैट इज़ सतलुज वो भी क्या करेगी झेलम को कनेक्ट करेगी और सारी की सारी ये कलेक्टिवली एंटर कर जाती है इंडस के अंदर तो इंडस की ट्रिब्यूटरीज आ जाती हैं झेलम चनाब रावी सतलज ठीक है मिठानकोट के पास में ये सारी मिलती हैं इन टू द इंडस नाव यू कैन सी की इंडस के अंदर वॉलीम ज़्यादा हो जाएगा पानी का क्योंकि बहुत सारी इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज बहुत सारा पानी लेके आ रही हैं और इंडस के अंदर मिल जा रही हैं ठीक है सो दैट इज़ इंपॉर्टेंट अबाउट द इंडस और कहाँ भी ये ड्रेन कर रही है तो आपके अरेबियन सी के अंदर विच इज़ इन द वेस्ट कोस्ट ठीक है उसके बाद आप लेंथ देखोगे अगर इसकी तो इट इज़ अराउंड टू नाइन डबल ज़ीरो किलोमीटर उसके बाद वन थर्ड जो पार्ट है इंडस का वो इंडिया के अंदर है और जो बाकी मेजोरिटी जो पार्ट है वो कहाँ पे आ जाता है पाकिस्तान के अंदर आप एक ट्रीटी भी पढ़ते हो इंडस वाटर ट्रीटी जिसको नाइनटीन के अंदर साइन किया गया था इसके बाद जो नेक्स्ट वाटर सिस्टम आता है एंड वेरी इंपॉर्टेंट वाटर सिस्टम वो है आपका गंगा रिवर सिस्टम तो इसमें पहले तो आपको स्टेट्स पता होनी चाहिए कि गंगा रिवर सिस्टम ये जो गंगा रिवर है ये कौन कौन सी स्टेट्स में चलती है सबसे पहले आती है उत्तराखंड उत्तर प्रदेश बिहार झारखंड वेस्ट बंगाल तो कौन कौन सी आगी उत्तराखंड यूपी बिहार वेस्ट बंगाल झारखंड इन पांच स्टेट से होते हुए हमें गंगा देखने को मिलती है और हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं यहाँ पे कौन से प्लेन्स बनते हैं जिनको बोलते हैं नर्दर्न प्लेन्स ग्रेट प्लेन्स ठीक है क्योंकि यहाँ पे सबसे ज़्यादा हमें फर्टिलिटी यानी कि फ़र्टाइल सॉइल देखने को मिल जाती है यहाँ पे सबसे ज़्यादा फर्टाइल सॉइल हमें देखने को मिलती है क्यों क्योंकि एकदम से पहाड़ियों से पानी आएगा एंड उत्तराखंड में भी उतना ज़्यादा नहीं मिलेगा बट जैसे ही उत्तराखंड हिली रीजन आ जाता है बट जैसे ही यूपी बिहार वाले एरिया में मिलेंगे तो वहाँ पे हम देखेंगे कि जो फ्लो होता है वो स्लो हो जाता है रिवर्स का क्योंकि प्लेन एरिया आ गया आप अज्यूम कर सकते हो आपने क्या किया पानी का ग्लास लिया उसको किसी प्लेन एरिया पे फेंका तो क्या होगा एक तो वो पानी क्या करेगा स्प्रेड कर जाएगा पर वहीं पे आपने क्या किया एक ऐसे टेबल को टिल्ट कर दिया अब यहाँ से पानी फेंकोगे तो वो एक धार बनाएगा सीधी धार बनाएगा क्यों क्योंकि वो स्लोपी एरिया आ जाता है तो स्लोप से जब प्लेन में जाते हैं तो वी विल सी जब स्लोप से पानी आता है इस तरह से तो पहले तो स्टीप होता है बट जैसे ही प्लेन्स पे आता है तो ये पानी क्या करता है स्प्रेड कर जाता है और जब स्प्रेड करता है तो ऊपर से कुछ ना कुछ रोड करके भी लाया होगा ना यहाँ से पत्थर पैबल्स जिनको बोलते हैं सैंड सिल्ट क्ले एंड ऑल वो लेके आएगा और यहाँ पे प्लेन एरियाज़ के अंदर उसको डिपॉजिट कर देता है और जब डिपॉजिट करता है तो ये रीजन आपको फर्टाइल मिल जाता है ठीक है सो अब गंगा के बारे में बात करें ना तो बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें देखने को मिलेंगी सबसे पहले आती है बंदर पूँछ बंदर पूँछ जो पीक है ना आपकी वहाँ पे आपको मिलेगा यमुनोत्री ग्लेशियर यमुनोत्री ग्लेशियर से नाम से ही पता लग रहा है कौन सी रिवर आएगी तो यमुना रिवर आ जाएगी सेकेंड आता है आपका गौमुख गौमुख में आप गौमुख जो ये पीक है यहाँ पे आपको गंगोत्री ग्लेशियर मिल जाएगा पर जो यहाँ से रिवर ओरिजिनेट करती है हो सकता है आपको लगे गंगा है बट नहीं वो है आपकी भागीरथी भागीरथी सेकेंड आता है केदारनाथ केदारनाथ में अगर देखें तो वहाँ पे आपको आता है चोरावारी ग्लेशियर चोरावारी ग्लेशियर से रिवर निकलती है जिसका नाम है मंदाकिनी क्या नाम है मंदाकिनी वैसे ही बद्रीनाथ से एक और रिवर ग्लेशियर है दैट इज़ द सतोपंथ ग्लेशियर यहाँ से जो रिवर निकल के आती है वो है अलकनंदा एन में डायरेक्टली लिखा हुआ है कि जो भागीरथी है और अलकनंदा है वो क्या बना देते हैं गंगा ठीक है दैट इज करेक्ट वो तो ठीक है बट हमें थोड़ी सी डिटेलिंग देखनी पड़ती है क्या क्या देखनी पड़ती हैं वो आ जाओ अब देखो यमुनोत्री ग्लेशियर से गई यमुना गंगोत्री से गई भागीरथी चोरावारी ग्लेशियर से निकली मंदाकिनी, कि सतोपंत ग्लेशियर से गई अलकनंदा अब जब ये मंदाकिनी मिलती है अलकनंदा के अंदर वो बनाती है रुद्रप्रयाग क्या बना देती है रुद्रप्रयाग वेरी इंपॉर्टेंट ऐसे आपको बहुत सारे प्रयाग मिलते हैं सप्त प्रयाग भी बोल देते हैं बट हम यहाँ पे एक करुण प्रयाग भी है बट एनी आपको वही याद रखने हैं जो अभी इंपॉर्टेंट है वो है रुद्र प्रयाग रुद्रप्रयाग पर कौन कौन सी रिवर्स मिली एक मिलेगी आपकी मंदा और दूसरी कौन सी मिलेगी अलग नंदा कौन सी मिलेगी अलकनंदा देन यू विल सी यहाँ पे आएगी भागीरथी कहाँ से आई गंगोत्री ग्लेशियर से एंड दूसरी आएगी सतोबंद ग्लेशियर से दैट इज़ अलकनंदा ठीक है अब ये मंदकनी और अलकनंदा एक होकर अलकनंदा ही चलेगी क्योंकि जो वॉल्यूम है अलकनंदा का वो ज़्यादा है कंपेयर टू तो द मंदकनी अब जब अलकनंदा मिलेगी भागीरथी में जाके तो आप देखोगे यहाँ पे कहाँ पे मिलती हैं देव प्रयाग में वेरी इंपॉर्टेंट देव प्रयाग अब जब भागीरथी और अलकनंदा दोनों आपस में मिल जाती हैं तो दे टू द फॉर्मेशन ऑफ गंगा अब गंगा फ्लो करती चलेगी करती चलेगी और यूपी में पहुँच जाएगी यूपी में एक जगह पड़ती है प्रयागराज जहाँ पर ये मिलेगी यमुना के साथ और फिर ऐसा गंगा ये फ्लो करती चली जाएगी कैसे गंगा की फॉर्म में फ्लो करती हुई चली जाएगी अब यहाँ पे आपको दो चीज़ें इंपॉर्टेंट हो जाती हैं एक यमुना की ट्रिब्यूटरी और दूसरी गंगा की ट्रिब्यूटरीज अब मैं पहले गंगा को ले रही हूँ ठीक है ये वाला जो हिस्सा है ये वाला हिस्सा ये मैंने उठा लिया अब इसके बारे में हम स्टडी करेंगे कौन कौन सी ट्रिब्यूटरीज इसको मिलती हैं बहुत सारी ट्रिब्यूटरीज हैं और सारी ही इंपॉर्टेंट हैं सबसे पहले आती है राम गंगा अब देखो हमेशा आप अज्यूम कर सकते हो अब ये कौन सी ट्रिब्यूटरी है लेफ्ट बैंक है या राइट बैंक है जस्ट बिकॉज गंगा का फ्लो इस तरफ को है आप भी इस डायरेक्शन में खड़े हो जाओ आपका लेफ्ट हैंड इस तरफ आएगा राइट हैंड इस तरफ आएगा तो अल्टी ये कौन सी आ जाएगी लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी और सोन कैसी आ जाएगी राइट बैंक ट्रिब्यूटरी ठीक है यमुना भी कैसी आ जाएगी राइट बैंक ट्रिब्यूटरी यहां पे चाहे आप ड्रॉ भी कर लो उसको यमुना और कौन सी आ जाएगी आपके पास ये राइट बैंक ट्रिब्यूटरी वन सेकेंड ठीक है एनीवेज तो प्रयागराज की अगर बात करें तो वहाँ पे यमुना आपने देख ली थी चलो इसको ख़राब ना करते हुए आगे चलते हैं तो सबसे पहले लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है सबसे पहले आती है राम गंगा ठीक है राम के नाम से ही गंगा स्टार्ट हुई तो जो इनकी ट्रिब्यूटरीज हैं वो स्टार्ट हुई सबसे पहले कौन सी आ गई राम गंगा सबसे पहले राम गंगा आगे आप जाओगे थोड़ा सा तो आपको मिलेगी गोमती गोमती रिवर कहाँ पर एंटर कर जाएगी गंगा के अंदर घाघर घाघर भी कहाँ पे गंगा में मिल जाएगी गंदक बूढ़ी गंदक कोसी एंड महानंदा ये सारी किसकी ट्रिब्यूटरीज हैं गंगा की नाइन्थ क्लास के पर्सपेक्टिव से आपको सिर्फ ट्रिब्यूटरीज़ के नाम याद रखने हैं ठीक है वी विल स्टडी अबाउट द डिटेल्स लेटर ऑन अभी के लिए सिर्फ़ रामगंगा गोमती घाघर गंदक बूढ़ी गंदक, गंदक कोसी कोसी को आप सौरव बिहार भी बोलते हो ठीक है सौरव ऑफ और... बिहार क्यों बोलते हैं बिकॉज इसका फ्लड जब आता है इसके अंदर तो ये अपना रास्ता ही चेंज कर लेती है तो लोगों को पता नहीं होता किस तरफ को ये अपनी डायरेक्शन चेंज करेगी ठीक है सो दीज आर द ट्रिब्यूटरीज ऑफ गंगा एंड राइट साइड से आ रही है सोन रिवर तो दैट इज़ अ राइट बैंक ट्रिब्यूटरी मेनली सोन ही आती है और उसके बाद अगर इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज यमुना की देखें तो हमने गंगा का ये वाला हिस्सा कवर किया ये वाला ठीक है अब हम चलेंगे किसको दैट इज यमुना को स्टडी करेंगे यमुना की कौन कौन सी इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज हैं वो देख लेते हैं तो सबसे पहले ये देखो ये गंगा है यहाँ पे और ये आपका कौन सा लोकेशन आ गया प्रयागराज सबसे पहले आती है चंबल चेन्नई सुपर किंग से याद रख लेना चेन्नई सुपर किंग चेन्नई सुपर बोले किंग ऐसे याद कर लो ताकि सारी आ जाए सी फॉर चंबल एस फॉर सिंध बी फॉर बेटवा के फॉर केन बेटवा और केन आप बहुत ज़्यादा न्यूज़ में सुनते हो चंबल आपको पता है वेरी इंपॉर्टेंट रिवर एंड आ, दूसरी आ जाती है सिंध ठीक है तो याद रख लेना इसको इस पैटर्न में तो सी फॉर चंबल चंबल की भी फर्दर बहुत सारी ट्रिब्यूटरीज हैं बनस आती है बनस आपके राजस्थान वाले रीजन से आ जाती है जो इंपॉर्टेंट वन है वो है एक तो शिप्रा दूसरी है काली शिप्रा एंड काली इन दोनों को मेनली याद रख लेना देन आप देखोगे दूसरी जो रिवर है वो है सिंध सिंध भी किसकी ट्रिब्यूटरी है यमुना की है तो क्वेश्चन में अगर आपको दिखे यमुना और गंगा दोनों और पूछा जाए जो चंबल है वो किसकी ट्रिब्यूटरी है तो सबसे पहले किसकी है यमुना की है ठीक है सबसे पहले किसकी है यमुना की है सो so, चंबल की कौन कौन सी दो ट्रिब्यूटरीज हैं शिप्रा और काली और दूसरी जो यमुना की ट्रिब्यूटी आती है वो सिंध है फिर बेटवा एंड देन केन और ये सारी में मिल जाती हैं यमुना के अंदर मिल जाती हैं। सो so, ये गंगा रिवर सिस्टम के बारे में कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें थी इनके बारे में आपको थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा बिकॉज इम्पॉर्टेंट है अब इसके बाद हम देखेंगे सॉरी ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम तो एक ग्लेशियर है जिसका नाम है चिम युंग दुंग ग्लेशियर चिम युंग दुंग ग्लेशियर आपको तिब्बत में मिल जाएगा अब यहाँ पे देखो ये जो तिब्बतन प्लेटू है ना ये तिब्बतन प्लेटू ये वाटर डिवाइड की तरह एक्ट करेगा ठीक है यहाँ पे जो ऑल्टीट्यूड है वो बहुत ज़्यादा है तभी आप देखोगे कि कितना पैरल जा रही है इंडिया के इसका फ्लो देखो कितना इंटरेस्टिंग है कितने पैरले जा रही है क्यों जा रही है पैरल बिकॉज एल्टीट्यूड भी नाम की भी तो चीज़ होती है ना कोई तो उसी वजह से चेम युग ग्लेशियर इंडिया के अंदर से दो स्टेट से जाएगी कौन कौन सी एक अरुणाचल प्रदेश दूसरी है आसम तो इंडिया के अंदर बस इतना एंड फिर बांग्लादेश में एंटर कर जाएगी और फाइनली किसका हिस्सा बन जाती है सुंदरवन डेल्टा का तो इसका फ्लो देख लो पहले जब चिम युग ग्लेशियर से ये चलती है यू विल सी कि इसका जो नाम होता है वो होता है सेंकपो सेंकपो को ही जैंगपो भी बोलते हैं उस टाइम जब तिब्बत में होती है ये पर जैसे इंडिया के अंदर एंटर करती है तो यहाँ पे आप देखोगे कि अब इसकी देखो लेफ़्ट बैंक ट्रिब्यूटरी और राइट बैंक ट्रिब्यूटरी अगेन आपको नोटिस करना है फ्लो कैसे था कुछ ऐसे है ना ऐसे तो आप भी उसी तरफ खड़े हो जाओ तो इस तरफ जितनी भी आएंगी वो राइट बैंक ट्रिब्यूटरी आएंगी इस तरफ लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी आएंगी तो दिहांग दिबांग लोहित धनश्री कोपिली ये सारी क्या आ जाएंगी इसकी लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज क्या आ जाएंगी लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज और ये जो अंदर की दिख रही हैं जैसे सुभानश्री कामेंग मानस संकोश ये कैसी आ जाएंगी तो दे आर राइट बैंक ट्रिब्यूटरी सिक्किम से एक रिवर आती है वेरी इंपॉर्टेंट रिवर जिसका नाम है तीस्ता तीस्ता में एक ग्लेशियर है जेमो ग्लेशियर जेमो ग्लेशियर से बनती है एक लेक जिसका नाम है सोलामु लेक वहाँ से ओरिजिनेट करती है एक रिवर जिसका नाम है तीस्ता रिवर ये भी किसके अंदर आके मिलती है ब्रह्मपुत्रा के अंदर तो ब्रह्मपुत्रा का तिब्बत में नाम पड़ता है जैंगपो आगे चल के इंडिया में ये आ जाती है इंडिया में दो स्टेट से पास ऑन करती है एक है अरुणाचल प्रदेश दूसरा है आसम तो जब यहाँ पे एंटर कर जाती है तो इसका नाम है ब्रह्मपुत्र और ब्रह्मपुत्र के बाद ये जब एंटर इन करेगी बांग्लादेश के अंदर तो ये देखो ये बस ये दिखाया हुआ है आपको कि आसम से कहाँ पर एंटर कर रही है इन बांग्लादेश ठीक है तो ये ध्यान में रखना तो जैसे ही ये कहाँ पर एंटर करेगी बांग्लादेश के अंदर एंटर करेगी तो इसका नाम पड़ जाएगा जमुना तो क्या क्या नाम पड़े जैंगपो या सैंगपो दूसरा आ गया ब्रह्मपुत्र तीसरा आ गया जमुना कहाँ पे सैंगपो आ गया आपके तिब्बत के अंदर ब्रह्मपुत्र आ जाएगा इंडिया में एंड जमुना कहाँ पे आ गया बांग्लादेश के अंदर ठीक है अब देखो एक तरफ से गंगा रिवर आ रही थी ठीक है गंगा आ गई ये आ गई गंगा एक तरफ से आ गई आपकी ब्रह्मपुत्र रिवर अब दोनों ये जो गंगा है ना ये फरक्का बराज करके एक जगह बढ़ती है यहाँ पे उस पॉइंट से एंटर कर जाती है इनसाइड द बांग्लादेश अब ये जो सारा का सारा एरिया है कौन से वाला ये आपका ओहो इरेज़ हो गया अ सेकेंड तो ये जो सारा का सारा एरिया है आपका दिस वन लेट मी राइट इट पद्मा और ये थी आपकी जमुना ठीक है ये सारा का सारा बात होगी कहाँ की ये जो ये वाला रीजन आ जाएगा ये सारा का सारा किसका है अब बांग्लादेश की बात हो रही है गंगा भी एंटर करगी ब्रह्मपुत्रा भी एंटर करगी गंगा एंटर करी जम पदमा नाम से और जो आपकी ब्रह्मपुत्रा है वो एंटर करी जमुना नाम से यमुना नहीं है जमुना है ठीक है याद रखना जमुना अब देखो बोला जाता है जब पदमा और जमुना मिलती है ना जब पदमा और जमुना मिलती हैं दे लीड टू द तो फॉर्मेशन ऑफ मेघना पर एक और थ्योरी है मणिपुर से एक रिवर चलती है जिसको बैराग भी बोलते हैं कई बोलते हैं बाद में इसका नाम सुरमा बन जाता है बाद में मेघना बन जाता है और इसका फ्लो ज़्यादा होता है इफ़ कंपेयर टू द पदमा एंड जमुना और तभी इसका नाम पड़ गया मेघना पर दोनों ही थ्योरीज आप फॉलो कर सकते हो जो पद्मा और जमुना वाली भी है वो भी फॉलो कर सकते हो कि जब पद्मा और जमुना मिक्स होती हैं दे लेट टू द फॉर्मेशन ऑफ मेघना ठीक है और फाइनली ये लीड कर जाती है इनटू द सुंदरबन डेल्टा और यहाँ पे ये यह क्या करती हैं जो भी डेपोजिशन लेके आई होती हैं उनको डिपॉजिट करती हैं और यहाँ पे आपको सुंदरी ट्रीज़ पर मिल जाते हैं और इन्हीं सुंदरी ट्रीज़ के ऊपर इस डेल्टा का नाम पड़ता है दैट इज़ द सुंदरबन डेल्टा मैंग्रोव्स जिनको बोलते हैं उल्टी डायरेक्शन को उनके रूट्स निकले होते हैं ताकि वो ऑक्सीजन ऊपर को ले सके क्योंकि नीचे तो सॉल्टी एरिया है सॉल्टी वाटर है दैट्स वाई ठीक है so, सो यहाँ तक होता है आपका रिवर सिस्टम कंप्लीट। अब आपका एक छोटा सा और टॉपिक है दैट इज़ अबाउट द टाइप्स ऑफ लेक बहुत सारे टाइप्स की लेक्स आपको मिल जाती हैं जैसे कि कुछ एक लेक्स जो आपको मिलेंगी वो होंगी फ्रेश वाटर ठीक है उसी के साथ कुछ मिल जाती हैं आपको दैट इज़ सॉल्ट वाटर लेक्स ठीक है तो सॉल्ट वाटर लेक्स भी आपको देखने को मिल जाती हैं और जो कुछ होती हैं वो सीजनल जैसी होती हैं जब आपका रेनी सीजन होगा तभी वो दिखाई देती हैं तो कुछ परमानेंट भी मिलती हैं कुछ टेम्प्रेरी भी मिलती हैं बट अगर सोर्स के बेसिस पे क्लासिफाई करना हो तो आपको चार तरह की लेक्स मिल जाती हैं एक आती है ग्लेशियर लेक्स दूसरी हैं ऑक्सबो लेक तीसरी हैं लगून चौथी हैं इनलैंड ड्रेनेज अगर आपने पिछले लेक्चर्स देखे हैं तो ऑलरेडी हम ये सारी चीज़ें कवर अप कर चुके हैं सबसे पहले देखते हैं ग्लेशियर लेक्स को ग्लेशियर्स की वजह से जो लेक्स बनेंगी यानी कि जब ग्लेशियर से पानी बनेगा यानी कि वो पिघलेगा पानी की ड्रॉपलेट्स आएंगी एंड लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ लेक्स उन लेक्स को बोल देंगे हम क्या दैट इज ग्लेशियर लेक्स एग्जाम्पल आती है आपकी डल लेक आ जाती है भीमताल लेक आती है नैनीताल ले, लेक आ जाती है ताल का मतलब भी लेक ही होता है ताल का मतलब क्या होता है लेक ही होता है ठीक है तो ताल लग गया तो मतलब लेक ही है वो लोक तक लेक आ जाएगी आपकी मणिपुर में है वेरी इंपॉर्टेंट अगेन यहाँ पे एक और लेक आ सकती है दैट इज वोलर लेक तो इसका जो ऑरिजिन है दैट इज़ बिलीव टू बी टेक्टोनिक जो टेक्टोनिक प्लेट विच लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ अर्थ उसकी वजह से बोला जाता है ठीक है एनी वेज सेकेंड टाइप की लेक मिलती है आपको ऑक्सबो लेक ये टेम्परेरी भी हो सकती हैं परमानेंट भी हो सकती हैं कैसे होती हैं ड्यू टू इरोजन एंड डिपोजिशन ऑलरेडी हम कर चुके हैं कि जो रिवर्स होती हैं जब प्लेन्स में आती हैं तो इनकी मियान्डरिंग हो जाती है और कई बार फ्लो यहाँ पे सीधा यहाँ पे पड़ेगा और इस वजह से ये जो छोटा सा हिस्सा होता है चांद की शेप का वो निकल जाता है एंड लिड टू द फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सबो लेक अगली आती है दैट इज़ लगून लेक आपने चिलीका लेक सुनी होगी ओडिशा के अंदर पुलिकट लेक आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के बॉर्डर पे ये पड़ जाती है एंड कोलेरू लेक दैट इज़ Uh, कोलेरू आपकी पूरी कहाँ पे है आंध्र प्रदेश के अंदर है तो ये मैंने आपको एक सीक्वेंस बता दिया है सी के पी तो ऊपर आएगी आपकी कौन सी चिली का कोलेरू एंड फाइनली पुलिकट पुलिकट आपको आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के बॉर्डर एरिया पे मिल जाएगी ठीक है सो ये क्या होती हैं लगूनस होती हैं जब बड़ी वाटर बॉडी ये मान लो सी है कौन सा आएगा इस तरफ तो ये आपका आ जाएगा कौन से वाला यहाँ पे बे ऑफ बंगाल आपको देखने को मिलेगा तो बे ऑफ बंगाल से एक हिस्सा सेपरेट हुआ छोटा सा और उसने क्या बना दिया एक लेक बना दिया तो उसमें वाटर कैसा होगा सॉल्टी होगा क्योंकि सी के पानी से बनी हुई है ठीक है समुद्री पानी से बनी हुई है सो तो यू विल सी कि क्या बन जाती हैं चिली लेक पुलिकट कोलेरू लेक वेरी इंपॉर्टेंट जब बहुत बड़े वाटर बॉडी से छोटा सा हिस्सा वाटर का सेपरेट हो जाता है क्यों सेपरेट होता है क्योंकि कई बार वहाँ पे इतनी ज़्यादा डेपोजिशन हो जाती है कि बैरियर बन जाता है और जब बैरियर बनता है तो उस वजह से एक छोटी सी लेक फॉर्म हो जाती है उसके बाद आप देखोगे नेक्स्ट वन दैट इज़ द इनलैंड ड्रेनेज ये कैसे फॉर्म होता है ड्यू टू द ड्रेनेज ऑफ रिवर वाटर यहाँ से ही एक चीज़ याद रखना आपका ये आसम वाला जो एरिया आता है ना आसम में एक इनलैंड uh, आइलैंड है जिसको बोलते हैं माजुली ठीक है वर्ल्ड का सबसे बड़ा इनलैंड आइलैंड ये देखने को मिलता है ये भी थोड़ा सा याद रख लेना सो so, ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें थी जो कि आपको पता होनी चाहिए अगेन आपको ये आ, सारी चीज़ें कहाँ पे मिलेंगी टेलीग्राम में मिलेंगी ये आपके एन में कुछ चीज़ें बता के रखी हुई हैं यू नीड टू लर्न अबाउट दीज थिंग्स तो देखो बहुत सारी चीज़ें आप ऑलरेडी कवर अप कर चुके हो जैसे इंडस देख ली ना आपने झेलम आएगी झेलम में चनाब मिलेगी फिर आगे चलेंगी फिर रावी मिलेगी फिर सतलज मिलेगी आई जे आई जे सी आर एस ये याद रख लेना ठीक है तो इंडस कहाँ से चली थी मानसरोवर लेक थी यहाँ पे तिब्बत वाले एरिया में यहाँ से स्टार्ट हुई थी तो पहला तो हमने ये देखा फिर इस रीजन में आपका पड़ता है अम्बाला वाटर डिवाइड ऊपर चली जाएंगी इंडस नीचे चलेगी गंगा एलिवेटेड पार्ट है गंगा रिवर हमने देखी किस तरह से ओरिजिनेट हुई भागीरथी और अलकनंदा जब आपस में मिले देव प्रयाग के अंदर उन्होंने बनाया गंगा आगे चल के क्या हुआ था गंगा मिल जाती है यमुना से यमुना कहाँ पे मिलते हैं ये दोनों प्रयागराज के अंदर वो प्रयाग प्रयाग वेरी इंपॉर्टेंट है ठीक है उसके बाद आप देखोगे घाघर रिवर देखी हमने गंदक उसके अलावा रामगंगा गोमती वो सारी रिवर्स याद रखना कोसी रिवर ये सब कहाँ पे मिल जाती हैं गंगा के अंदर मिलती हैं फिर यमुना भी मिल गई थी एंड यमुना की इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी चंबल थी चंबल की ट्रिब्यूटरी एक आपने शिप्रा देखी एक काली देखी यहाँ राजस्थान वाले एरिया से एक बनस भी आती है ये सारी चीज़ें आप ऑलरेडी देख चुके हो फिर हम मैंने आपको बोला था चेन्नई सुपर बोले किंग्स इससे याद रख लेना सी फॉर चंबल एस फॉर सिंध बी फॉर बेतवा के फॉर केन ये सारी यमुना की ट्रिब्यूटरीज आ जाती हैं एंड फाइनली ये कहाँ पे चली जाती हैं बांग्लादेश में जाती है गंगा और वहाँ पे उसका नाम चेंज हो जाता है इनटू पद्मा फिर ये पद्मा किसके साथ मिलती है जमुना जमुना किसका नाम है ब्रह्मपुत्रा का नाम है और फाइनली क्या बना देती हैं मेघना रिवर ये देखो ब्रह्मपुत्रा भी देख ही लो साथ में ये देखो अब यहाँ से आई आपकी ब्रह्मपुत्रा कहाँ से ओरिजिनेट हुई आपके चेम युंग दुंग ग्लेशियर से यहाँ से चली सैंगपुर रिवर बोलते हैं इसको पहले फिर जैसे ही अरुणाचल प्रदेश के अंदर ये एंटर करेगी आप देखोगे यहाँ पे बहुत सारी रिवर्स इसको ज्वाइन कर रही थी दिहांग थी दिबांग थी लोहित थी इस तरह से बहुत सारी रिवर्स इसको ज्वाइन करती हैं ट्रिब्यूटरीज बनाते हुए तीस्ता ने भी ब्रह्मपुत्र को ज्वाइन करा था और जब तीस्ता ने भी उसको ज्वाइन किया था तो हमने तीस्ता के बारे में भी थोड़ा सा देखा था कि सिक्किम में एक जेमू ग्लेशियर था वहाँ से ये ऑरिजिनेट हुआ था उसके बाद अभी जो रहता है हमारा हिस्सा वो है पैन इन रिवर्स का, का काफ़ी बड़ा चैप्टर है ये आपको करना पड़ेगा ठीक है इसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट लेक्स आपने देखी वुल्लर लेक हमने पढ़ी ठीक है गोविंद सागर लेक ये मैन मेड लेक है मैनमेड लेक हिमाचल प्रदेश के अंदर मिलेगी आपको बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट के अंदर ठीक है उसके बाद सांभर सॉल्ट लेक ये कहाँ पे है राजस्थान के अंदर आ जाती है फिर उसके बाद राणा प्रताप सागर गांधी सागर ये सारी आपको मिल जाएंगी उसके बाद आप देखोगे जो हमने लगूंस पढ़े कौन कौन से चिलिका कोलेरू पुलिकट चिलिका कहाँ पे है आपके उड़ीसा में कोलेरू कहाँ पे आ जाएगा तो कोलेरू आ जाएगा आपका आंध्र प्रदेश के अंदर पुलिकट कहाँ पे देखा तो आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के बॉर्डर वाले रीजन पे तो ये सारे क्या थे ये थे हमारे पास लगूंस उसके बाद वेमनाड लेक यहाँ पर स्नैक बोट रेस भी होती है वो भी ध्यान में रखना वेमनाड लेक ये कहाँ पर आ जाती है केरला के अंदर आ जाती है तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें जो कि हमने देख ली ये देखो ये मैंने दोबारा से यहाँ पे ऐड ऑन कर दी हैं चीज़ें आ, तो अगर आपको ध्यान ना रहे तो यहाँ से भी आप देख सकते हो ये हमने पूरा कर लिया यमुनोत्री ग्लेशियर गंगोत्री ग्लेशियर ठीक है उसके अलावा आपने ये आ, जो इसकी फर्दर दिखाई हाँ ये हुगली भी याद रख लेना हुगली भी निकलती है एक यहाँ पर छोटी सी वेस्ट बंगाल वाले रीजन में आपको मिलेगी जब गंगा का कुछ पोर्शन वेस्ट बंगाल वाले एरिया में जाता है देन लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ हुगली ये बांग्लादेश में जब एंटर हुई तो पदमा बना देती है तो काली सिंध ये देखो पार्बती भी पार्वती इज़ ऑल्सो अ ट्रीब्यूटरी ऑफ चंबल यहाँ बनस भी लिखी हुई है ठीक है बनस भी जो मैं आपको बता रही थी राजस्थान से एंटर करती है सिंध भी एंटर कर रही है ये देखो बेतवा के ये राम गंगा गोमती घाघर गंदक कोसी ये देखो यहाँ पे सारी चीज़ें ऑलरेडी एडिड है नेक्स्ट करते हैं चेम्युंग जहाँ से हमने देखा ब्रह्मपुत्र ने इसको आ, आ, बाद में हमने बोला इंडिया के अंदर दिबांग दिहांग दिबांग लोहित ये सारी इसको ज्वाइन करती हैं धनश्री कोपिली और इसके बाद जब ये बांग्लादेश में एंटर करती है तो जमुना बन गई थी वहीं पे हमने ऊपर राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज भी देखी जैसे कि सुभाषिरी और आपकी मन्नस आ जा जाती है तीस तिक्किम वाले एरिया से आई थी और फाइनली क्या हुआ पद्मा ने ज्वाइन किया कि इसको मेघ यमुना को और फाइनली लेट टू तो द फॉर्मेशन ऑफ मेघना ये देखो मेघना यहाँ पर मणिपुर से ही ऑरिजिनेट करते हुए दिखा दी हुई है आपको आ, कि जो मेघना रिवर है बराक नाम से या फिर सुरमा रिवर जिसको बोलते हैं मेघना के फॉर्म में वो कन्वर्ट हो जाती है बाद में एक ही नाम से चलते हैं तो देर आर टू थ्योरीज आप दोनों ही फॉलो कर सकते हो ठीक है पैनल रिवर्स के बारे में हमने फीचर्स तो देख लिए कि हाँ रेनफॉल की वजह से आती हैं ये किसकी वजह से रेनफॉल की वजह से आती हैं तो सीजनल होती हैं यानी कि जब रेनी सीज़न आएगा तो आपको ये रिवर्स देखने को मिलेंगी सबसे पहले आप देखो नर्मदा के बारे में तो आपने रेंजिस की अगर आपको याद हो अरावली रेंज अगर आपको याद हो विंध्यान रेंज पड़ी थी सतपुड़ा रेंज पड़ी थी और मैंने बोला था कि इनके बीच से जाती है एक रिवर जिसको बोलते हैं नर्मदा रिवर और ये नर्मदा रिवर की खास बात है कि ये कहाँ पर और ड्रेन ऑफ होती है तो इनसाइड अरेबियन सी यानी कि ये कैसी है वेस्ट फ्लोइंग है पर ऑरिजिनेट कहाँ से हुई ये तो बोल दी अवंध्यान रेंज और सतपुड़ा रेंज के बीच से हुई पर हुई कहाँ से तो जो एक्चुअल पॉइंट है दैट इज़ अमरकंटक तो जो नर्मदा रिवर है वो कहाँ से ऑरिजिनेट होती है वो होती है आपके अमरकंटक से तो अगर आप चाहो तो यहाँ पे छोटा छोटा लिख भी सकते हो जो आपकी नर्मदा रिवर है वो कहाँ से ऑरिजिनेट होती है तो आपके वन सेकेंड अच्छे से लिखती हूँ ये भी मैं आपको पी में ही दे दूँगी सो so, आपकी जो नर्मदा रिवर है नर्मदा कहाँ से ओरिजिनेट हुई अमरकंटक कहाँ से अमरकंटक से उसी तरह से नेक्स्ट रिवर अगर देखें वो है आपकी तापी ये वाली जो आपको दिखेगी ये है तापी अब ये सेम ही कलर हो गया वन सेकेंड ब्लैक से कर देती हूँ इसको ये है तापी कौन सी है तापी ये भी कैसी है तो ये भी वेस्ट फ्लोइंग है यानी कि ये भी किस डायरेक्शन में जाएगी अरेबियन सी के अंदर तापी जो है ऊपर हमने देखा विंध्यास रेंज यहाँ पे सतपुड़ा रेंज में से ये ओरिजिनेट करती है सतपुड़ा रेंज से ये ओरिजिनेट करती है कहाँ से सतपुड़ा रेंज से ये ओरिजिनेट कर जाएगी तो यहाँ पर एड ऑन कर लो अगेन तापी कहाँ से ओरिजिनेट हुई तो फ्रॉम द सतपुड़ा रेंज ठीक है ये मैं लिख के भेज दूंगी आपको यहाँ पे लिखने की ज़रूरत नहीं है एनी वेज़ यहाँ पर मैप बना हुआ है वहाँ से देख लो अच्छा नहीं लिखा जा रहा अभी तो उसके बाद अगर नेक्स्ट रिवर देखें वो है आपकी गोदावरी जो गोदावरी है वो आप देखोगे कहाँ से ऑरिजिनेट करती है बकेश्वर त्रिम्बकेश्वर कौन सी रिवर आई तो नासिक में त्रिंबकेश्वर जगह है वहाँ से ऑरिजिनेट करती है आपकी गोदावरी रिवर वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट गोदावरी रिवर कहाँ से ऑरिजिनेट हुई तो आपके त्रिम्बकेश्वर त्रिम्बकेश्वर से कौन सी ओरिजिनेट होती है आपकी तो गोदावरी उसके बाद आप देखोगे नेक्स्ट दैट इज़ कृष्णा रिवर कृष्णा रिवर ये नीचे से जो जा रही है दैट इज तुंगभद्रा रिवर ऊपर वाली ये जो ये है दैट इज कृष्णा रिवर नीचे वाली तुंगभद्रा कृष्णा रिवर जो ऑरिजिनेट करती है ये महाबलेश्वर से ओरिजिनेट करती है कहाँ से ओरिजिनेट की महाबलेश्वर से ओरिजिनेट करी कौन सी आपकी कृष्णा रिवर उसके बाद एक और आती है आपकी नीचे जाके दैट इज कावेरी रिवर कावेरी रिवर एक माउंटेन से ओरिजिनेट करती है जिसका नाम है ब्रह्मगिरी माउंटेन ब्रह्मगिरी माउंटेन से कौन सी ओरिजिनेट करती है कावेरी और ताल कावेरी रीजन भी इसको बोल दिया जाता है एक रिवर और है दैट इज महानदी रिवर अब ये ईस्टर्न फ्लोइंग है यानी कि बे ऑफ बंगाल के अंदर अब देखो आप सारी सभी का फ्लो देखना तापी और नर्मदा कहाँ पे गए अरेबियन सी के अंदर बाकी ये सारी कहाँ पे जा रही हैं अगेन ईस्टर्न डायरेक्शन में यानी कि बे ऑफ बंगाल में ये सारी की सारी क्या करेंगी ड्रेन ऑफ हो जाएंगी अब ये जो वेस्ट में ड्रेन ऑफ होती हैं ना ये एश्च्य बनाती हैं क्या बनाती हैं एश्चुरी वहीं पर हमने देखा कि जो ईस्टर्न फ्लोइंग होती हैं ये क्या बनाती हैं तो ये सारी बनाती हैं डेल्टास क्या बनाती हैं डेल्टास ठीक है so, सो महानदी रिवर कहाँ से ऑरिजिनेट करेगी तो एक इंपॉर्टेंट माउंटेन है सिहावा माउंटेन वहाँ से बनाती है तो क्या नाम आ गया आपका महानदी रिवर ठीक है सो लेक्स हमने देख ली जो इंपॉर्टेंट वन है आपकी वो है चिली का लेक कोलेरू लेक पुलिकट लेक एन के अकॉर्डिंग अगर अभी चलूँ मैं नाइन्थ क्लास की एन सी लेक मिलेगी कोलेरू लेक को पुलिकट लेक तो लोकेशन आपने देख ली चिली का आपकी ओडिशा के अंदर कोलेरू आपके आंध्र प्रदेश पुलिकट आपके ये देखो बॉर्डर एरिया पे तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश का उसके बाद वेम्बनाड लेक के बारे में याद रखना केरला में मैं केरला में ये मिल जाती है अष्टमुंडी लेक ये कहाँ पे मिलेगी आपको ये भी केरला के अंदर मिल जाती है लोनार लेक वेरी इंपॉर्टेंट ये माना जाता है कि एक क्रेटर की वजह से बनी थी आसमान से एक उल्का पिंड आया था उड़ते हुए और उसने क्या किया जमीन को यहाँ पे धंसा दिया डिप्रेस कर दिया और यहाँ पे पानी भर गया जिसकी वजह से महाराष्ट्र के अंदर हमें मिलती है लोनार लेक ठीक है उसके अलावा सांभर लेक याद रख लो राजस्थान के अंदर है सुखना लेक चंडीगढ़ में आपको मिल जाती है डल लेक व लेक ये आपको कहाँ पे मिलेंगी जम्मू एंड कश्मीर के अंदर पेंगोंग लेक ये आपको मिल जाती है लद्दाख के अंदर पेंगोंग लेक ठीक है और डिपो और बील हाँ ये भी याद रख सकते हो आसम और अरुणाचल प्रदेश के बॉर्डर ज़्यादा हिस्सा इसका आसम में मिलेगा आपको लोकटक लेक ये आपको मणिपुर में मिल जाती है ये ध्यान में रख लेना ठीक है सो ये कुछ इंपॉर्टेंट लेक्स थी जिनके बारे में आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए क्योंकि इंपॉर्टेंट है अब हम क्या करेंगे फटाफट -फड़ से एक रीडिंग ले लेंगे ओवरऑल सी कहाँ से आपके एन सी ई आर टी से दैट्स आई सेड कि ये चैप्टर बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है इसी रीज़न की वजह से ठीक है चलो कर लेते हैं इसकी रीडिंग फ्रॉम द एनसी ई आर टी तो ड्रेनेज हमने स्टार्ट किया तो ड्रेनेज बेसिन की हमने बात कर ली क्या होता है ड्रेनेज वो सारी चीज़ें हमने देखी मतलब जो रिवर है आपकी कहाँ से ओरिजिनेट हुई किसी ग्लेशियर से हो सकती है ठीक है या फिर रेनफॉल की वजह से डिपोजिट हुई पर अल्टीमेटली कहाँ पे ड्रेन कर रही है ख़त्म कहाँ पे हो रही है किसी सी के अंदर ठीक है किसी सी के अंदर ड्रेन हो रही है या फिर आ, दो टर्म्स आप सुनते हो एक होती है आपकी किसी भी रिवर की ना ट्रिब्यूटरी भी हो सकती है डिस्ट्रीब्यूटरी भी हो सकती है ट्रिब्यूटरी का मतलब होता है किसी रिवर ने अपने आप को दूसरी बड़ी रिवर के अंदर ट्रिब्यूट कर दिया ठीक है मतलब ऐसी छोटी रिवर्स जो किसी बड़ी रिवर के अंदर मिलती हैं यानी कि खुद को ट्रिब्यूट करती हैं डिस्ट्रीब्यूट क्या होगा जो बड़ी रिवर थी उसने खुद को छोटे हिस्सों में डिवाइड कर दिया यानी कि खुद को क्या किया डिस्ट्रीब्यूट कर दिया ठीक है तो ये ध्यान में रखना छोटी छोटी टर्म्स हैं इंपॉर्टेंट होती हैं ट्रीब्यूट्री एंड डिस्ट्रीब्यूटरी तो स्मॉल स्ट्रीम्स हमने देखी डिफरेंट डायरेक्शन से आती हैं और मेन रिवर के अंदर मिल जाती हैं और फिर एक वो जो रिवर होती है एक होके क्या करती है एक बड़ी सी रिवर में या फिर लेक के अंदर या फिर सी के अंदर या ओशन के अंदर मिल जाती हैं तो ये जो ड्रेन हुआ बाय सिंगल रिवर सिस्टम से उसको हम क्या बोल देते हैं ड्रेनेज पेसन अब ड्रेनेज बेसिन में एक टर्म देखी हमने वाटर डिवाइड की ये देखो एक वाटर डिवाइड है इधर भी वाटर है इधर भी वाटर है बीच में एक एलिवेटेड पार्ट है जिसकी वजह से दो वाटर बॉडीज सेपरेट होगी दैट इज द वाटर डिवाइड वर्ल्ड का जो लार्जेस्ट ड्रेनेज बेसिन आपको मिलेगा वो अमेजॉन रिवर है अमेजोन रिवर आपने पिछले लेक्चर्स अगर देखे हैं तो हम देखते हैं नॉर्थ अमेरिका के नीचे साउथ अमेरिका वहीं पे आपको मिलती है अमेजॉन रिवर ड्रेनेज सिस्टम अगर इंडिया के अंदर देखें तो मेनली ब्रॉड uh, फीचर्स हैं क्योंकि इंडिया के अंदर आपको ऑलमोस्ट सारे टाइप के रिलीफ मिलते हैं ये हमने ऑलरेडी कर लिया हुआ है नर्दन प्लेन्स मिलते हैं माउंटेन्स हैं डेक्कन प्लेटो देखा था ठीक है वो सारी चीज़ें हम कर चुके हैं तो अकॉर्डिंगली अगर देखें तो इंडिया का जो रिवर सिस्टम है उसको हम दो हिस्सों में डिवाइड करते हैं वन इज़ हिमालयन रिवर सेकेंड इज़ से पेनेंसुलर रिवर अब कहाँ से ऑरिजिनेट कर रही है ठीक है क्या फिजियोग्राफी है तो उसके बेसिस पे देखें तो पेनिन और हिमालयन रिवर्स हमें मिल जाती हैं और एक दूसरे से काफ़ी डिफरेंट मिलेंगी ज़्यादातर हिमालयन रिवर्स आप देखोगे पैरिनियल हैं यानी कि पर्मानेट है, है ट्वेल्व मंथ इनका फ़्लो रहता है वन ईयर के लिए इनका फ़्लो कॉन्टिन्यूसली रहता है मतलब पूरा सालाना ये रिवर्स चलती रहती हैं इसका मतलब है कि जो पानी है यहाँ पे थ्रू आउट द ईयर रहेगा ये जो रिवर होती हैं दे रिसीव वाटर फ्रॉम रेन एज वेल एज फ्रॉम द मेल्टेड स्नो फ्रॉम द लॉफ्टी माउंटेन्स यानी कि ग्लेशियर्स दो मेजर हिमालयन रिवर्स जो हमें देखनी होती हैं वो हैं एक है इंडस एक है ब्रह्मपुत्र जो कि कहाँ से ऑरिजिनेट करती हैं तो नॉर्थ ऑफ द माउंटेन रेंजेस देखा ना हमने तिब्बत से ही ऑरिजिनेट कर रही थी और ये क्या करती हैं गॉर्जिस भी बनाती हैं अब क्या होता है गॉर्जिस कैसे बनते हैं ये देखो ये गॉर्ज दिखाया हुआ है एक तरफ भी बड़ा सा पहाड़ है दूसरी तरफ भी बड़ा सा पहाड़ है बीच में खाली जगह आ गई ना तो यहाँ पे क्या फ्लो करेगा यहाँ पे आपको देखने को मिलता है वाटर ठीक है जो अपर एरियाज होते हैं हिली एरियाज होते हैं वहाँ पे आपको बहुत सारे गॉर्जेस देखने को मिलते हैं तो यू कैन सी दिस इज द गॉर्ज इसके बाद दे परफॉर्म इंटेंसिव इरोजनल एक्टिविटी जब पानी स्लोप से आएगी नीचे की तरफ़ यू विल सी ये बहुत सारी चीज़ें तोड़ फोड़ करके आती हैं जिसको बोल देते हैं डेन्यूडेशन ये पूरा यहाँ पे डेन्यूडेशन की ही बात करेगा डेन्यूडेशन कैसे चलता है सबसे पहले रॉक की होती है वीदरिंग हम ऑलरेडी ये पढ़ चुके हैं फिर होता है इरोजन फिर होती है ट्रांसपोर्टेशन एंड फाइनली ट्रांसपोर्टेशन के बाद आप देखोगे क्या हो जाता है डेपोजिशन यानी कि डिपॉजिट कर जाएगा ठीक है ये देखो सोर्स ऑफ रिवर पहले बिल्कुल छोटी एक बूंद से बनी है रिवर पता है आपको आपका जो ग्लेशियर है बहुत बड़ा साइज में यहां से एक एक ड्रॉप गिर रही होती है उससे बन गई आपकी एक बहुत बड़ी रिवर ठीक है so, सो आप ये देखोगे दिस इज द सोर्स ऑफ रिवर अपर कोर्स और लास्ट वाला कोर्स डेल्टा अगर आप नोटिस करोगे ना देन यू विल नोटिस जस्ट अ गाइस तो आप नोटिस करोगे कि ऊपर अगर आप नोटिस करोगे तो बिल्कुल पतला सा फ्लो है कैसा है बिल्कुल पतला सा फ्लो मिलेगा आपको दिस वन बट वहीं आप नीचे की तरफ चलोगे अपर कोर्स से लोअर कोर्स की तरफ आप देखो कितना ये ब्रॉड हो चुका है वन सेकेंड गाइज चलिए शो ये पेन रुक गया था आई डोंट नो क्या हुआ था इसको चलो एनी तो सोर्स ऑफ रिवर से आप देखोगे तो बिल्कुल पतला सा आपको फ्लो मिलेगा बट जैसे जैसे आप नीचे की तरफ चलोगे यू विल नोटिस जो फ्लो है वो स्लो हो जाएगा एंड जो वाटर का नैरोनेस थी वो कैसी हो जाएगी ब्रॉड हो जाएगी ऊपर बिल्कुल पतली सी स्ट्रीम थी नीचे बहुत चौड़ी हो जाएगी ठीक है सो दैट इज़ सोर्स ऑफ रिवर अपर कोर्स काफ़ी पतला मिलेगा मिडल कोर्स मीडियम सा आएगा एंड यहाँ पे कहीं जगह पे आप देखोगे आप जब वाटर की मूवमेंट बिल्कुल ही स्लो हो जाएगी तो वहाँ पे आप नोटिस करोगे कुछ ऑक्सबो लेक्स भी बनेंगी रिवर्स की मियाड्रिंग हो जाएगी सांप की तरह आपको रिवर्स मिलेंगी ठीक है तो बहुत सारी पेनिनसुलर रिवर्स जो होती हैं वो सीजनल होती हैं क्योंकि उनका फ्लो डिपेंड करता है रेनफॉल के ऊपर ड्राई सीजन के टाइम पे लार्ज रिवर्स होती हैं दे रिड्यूस फ्लो ऑफ वाटर मतलब जो पेरिनियल रिवर हैं वो कॉन्टिन्यूस रहती हैं ना ट्वेल्व मंथ्स के लिए पर जैसे ही रेनफॉल नहीं होता यानी कि ड्राई सीजन जब चल रहे होते हैं उनमें पानी फिर भी रहता है बट कम हो जाता है पेनसुलर रिवर्स जो हैं वो काफ़ी शॉर्ट होती हैं शैलो कोर्सेज़ होते हैं उनके इफ़ कम्पेयर टू द हिमालयन काउंट पार्ट और कुछ जो होती हैं वो सेंट्रल हाईलैंड से ऑरिजिनेट करती हैं और वेस्ट की तरफ फ्लो करना शुरू कर देती है ज़्यादातर जो पेनिनसुलर रिवर्स आपको मिलेंगी वो वेस्टर्न घाट से फ्लो करेंगी टुअर्ड द बे ऑफ बंगाल हमने देखा था नर्मदा और तापी ही अरेबियन सी की तरफ कई थी बाकी और भी बहुत सारी स्ट्रीम्स हैं जैसे कि आप केरला के अंदर अगर देखोगे वहाँ पर आपको छोटी छोटी स्ट्रीम्स मिलेंगी बट uh, जो मेजोरिटी में हम देखते हैं वो नर्मदा और तापी के बारे में पढ़ते हैं फिर आप देखोगे हिमालयन रिवर के बारे में तो जो मेजर हिमालयन रिवर्स आती हैं इंडस गंगा एंड ब्रह्मपुत्र आ जाती हैं ये काफ़ी बड़ी रिवर्स हैं और बहुत सारी छोटी छोटी ट्रिब्यूटरीज इनको आपस में ज्वाइन करती हैं और एक जब रिवर और ट्रिब्यूटरीज uh, आपस में मिलती हैं दे लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ रिवर सिस्टम सबसे पहले हमने बात करी थी इंडस रिवर सिस्टम की कहाँ से ओरिजिनेट करी थी तो एक लेक देखी हमने मानसरोवर वहाँ से ओरिजिनेट कर जाती है वेस्ट की तरफ फ्लो करी और इंडिया के अंदर हम देखते हैं लद्दाख से ही फ्लो करती है और काफ़ी ज़्यादा पिक्चर्स के गॉर्ज बनाता है इस पार्ट में यानी कि बहुत ब्यूटीफुल देखने के लिए टूरिस्ट अट्रैक्शन बन जाती है और सेवरल uh, ट्रिब्यूटरीज़ ज़ास्कर नबरा श्योक हुंजा ये सारी की सारी क्या करती हैं कश्मीर रीजन में इसको ज्वाइन कर लेती हैं किस को इंडस रिवर को सो ये जो आपको रिवर्स देखने को मिल रही हैं जास्कर नूबरा श्योक हुंजा ये सारी की सारी क्या है दे आर द ट्रिब्यूटरीज ऑफ इंडस बट मेनली आपको कुछ रखनी होती है याद ये भी आपको पता होनी चाहिए अलॉन्ग विद दिस मैं ऐड कर दूंगी आपके नोट्स में तो इनको भी याद रख लेना ठीक है कौन कौन सी जास्कर नूब्रा श्योक एंड हुंजा उसके बाद जो इंडस होती है वो बाल्टिस्तान एंड गिलगिट इन दोनों रीजन से पास होते हुए फ्रॉम द माउंटेन्स ऑफ अटोक की माउंटेन से पास करते हुए चली जाती हैं आगे टू द पाकिस्तान इसके बाद जो सतलुज है ब्यास रावी चिनाव आपको याद हो अगर आई जे सी आर एस ये सारी क्या करती हैं दे मेक अ ट्रिब्यूटरी ऑफ द इंडस और इंडस को कहाँ पे ज्वाइन करती हैं तो मिठानकोट विच इज़ लोकेटेड इन पाकिस्तान यहाँ पे ये सारी ट्रिब्यूटरीज ज्वाइन कर लेती हैं इसके अलावा जो इंडस है वो साउथवर्ड फ़्लो करना शुरू कर देती है और अरेबियन सी जो ईस्ट ऑफ कराची कराची के ईस्ट में लाया करता है वहाँ पर ड्रेन ऑफ कर जाती हैं जो इंडस प्लेन है दे आर हैविंग अ वेरी जेंटल स्लोप टोटल लेंथ यहाँ पे 2900 किलोमीटर के आसपास मिलेगी जो इंडस है दैट इज़ वन ऑफ द लॉन्गेस्ट रिवर्स ऑफ द वर्ल्ड तो काफ़ी लंबी रिवर ये मानी जाती है लिटल ओवर अ थर्ड वन थर्ड आपको मिलता है इंडिया के अंदर वो भी कहाँ कहाँ पे लद्दाख जम्मू एंड कश्मीर हिमाचल प्रदेश पंजाब एंड रेस्ट इज इन पाकिस्तान तो आपको इंडस वाटर ट्रेडिंग के बारे में पता होना चाहिए नाइनटीन इस ट्रेडी के अकॉर्डिंग यानी कि जो इंडस वाटर ट्रेडी है 1960 सिक्सटी के अकॉर्डिंग इसके अकॉर्डिंग जो इंडिया है वो सिर्फ 20 परसेंट टोटल वाटर इंडस रिवर सिस्टम का यूज़ कर सकता है और बाकी किसके लिए दिस वाटर इज़ यूज फॉर इरीगेशन इन पंजाब हरियाणा एंड सदरन एंड वेस्टर्न पार्ट्स ऑफ राजस्थान और जो बाकी बच गया वो सारा किसको जाएगा पाकिस्तान को उसके बाद आता है गंगा रिवर सिस्टम तो गंगा रिवर सिस्टम का जो ऑरिजिनेशन है वो बहुत ज़्यादा ब्रॉड है मैंने आपको नोट्स में ऑलरेडी लिखा हुआ है बट एन सी ए आर टी डायरेक्टली नाइन्थ क्लास में बात करती है भागीरथी से कि जो आपका गंगोत्री ग्लेशियर है वहाँ से रिवर निकलती है जिसका नाम है भागीरथी और दूसरा एक हमने देखा था दैट वॉज अलकनंदा अलकनंदा की अगर आपको याद हो ये वाला दिस वॉज़ तो सतोपंत ग्लेशियर बद्रीनाथ में लोकेटेड है तो so, वहाँ से ओरिजिनेट करती हैं भागीरथी और अलकनंदा दोनों मिलती हैं देव प्रयाग में विच इज़ लोकेटेड इन उत्तराखंड हरिद्वार में ये गंगा जो होती है दैट इमर्जेस फ्रॉम माउंटेन्स ऑन टू द प्लेन और फिर यहाँ से वो आप आ, 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 बोटिंग वगैरह सारी चीज़ें वो शुरू हो जाती हैं और आ, टूरिस्ट स्पॉट ये बन जाता है माउंटेन से फाइनली हरिद्वार के पास में ये प्लेन एरियाज में आ जाती हैं ठीक है ठीके? ये मैप हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके थे सो वी आर नॉट गोइंग ऑन दैट ये देखो ये भागीरथी और अलकनंदा का देव प्रयाग में कॉन्फ्लुएंस दिखाया गया है यू कैन सी द ब्यूटिफुल सिनारियो कि किस तरह से एक तरफ से अलग वाटर है दूसरी तरफ से अलग कलर का वाटर है क्यों है फ्लो भी अलग अलग है ऊपर ये देखो इस वाली का फ्लो काफ़ी ज़्यादा है यहाँ पर बिल्कुल सा वाटर है तो यहाँ पर ये दोनों मिल जाती हैं एंड इट होल्ड्स अ वेरी रिचुअलिस्टिक इम्पॉर्टेंस एज वेल तो ये देव प्रयाग में भागीरथी और अलकनंदा मिल जाती हैं गंगा जो होती है बहुत सारी से ज्वाइन होती है जैसे कि यमुना घाघर गोमती गंदक रामगंगा कोसी बहुत सारी रिवर्स हमने देखी थी और जो रिवर यमुना है वो कहाँ से ओरिजिनेट हुई थी फ्रॉम द यमुनोत्री ग्लेशियर वो भी हिमालय में लोकेटेड है और बाद में राइट बैंक ट्रिब्यूटरी बन जाती है यमुना किसकी गंगा की कहाँ पे मिलती हैं तो प्रयागराज में विच इज़ लोकेटेड इन अलाहाबाद यूपी घाघर और गंदक और कोसी ये नेपाल हिमालय जो नेपाल वाले नेपाल अपनी कंट्री है ना नेबरिंग कंट्री वहाँ से ऑरिजिनेट करती हैं घाघर गंदक एंड कोसी और ये जो रिवर्स होती हैं दे फ्लोर टू और द नर्दर्न प्लेन्स एवरी ईयर और इसकी वजह से जो काफ़ी ज़्यादा डैमेज आपको देखने को मिलता है और जो फर्टाइल सोइल थी वहाँ पर लोगों ने खेती करी होती हैं बसे होते हैं काफ़ी ज़्यादा डैमेज देखने को मिलता है जो मेन ट्रिब्यूटरी विच कम्स फ्राम द पेन सोलर अ प्लांट वो है चंबल चंबल बेतवा एंड सोन एक और थी सिंध देखी थी याद है ना तो केन वगैरह देखी थी ये सारी किसके साथ जुड़ जाती हैं यमुना के साथ जुड़ जाती हैं सेमी है, एरिड एरिया से आती हैं शॉर्टर कोर्स रहता है और ज़्यादा पानी नहीं लेके आती तो एरिड रीजन से आ रही हैं यानी कि ड्राई रीजन से आ रही हैं तो ऑब्वियसली जो फ्लो होगा वाटर का वो ज़्यादा नहीं देखने को मिलता एक नमामी गंगे प्रोग्राम भी चलता है इंटीग्रेटेड कंजर्वेशन मिशन है इसको फ्लैगशिप प्रोग्राम की तरह डिक्लेयर किया हुआ है बाई यूनियन गवर्नमेंट जून टू से ताकि जो ट्विन ऑब्जेक्टिव्स रखे गए हैं

टिल फरक्का फरक्का तक जाती है और उसके बाद ये एंटर कर जाती है आपके बांग्लादेश के अंदर तो अभी वेस्ट बंगाल के अंदर आप नोटिस करोगे भागीरथी और हुगली डिस्ट्रीब्यूटरी बन जाती हैं और दे फ्लो साउथवर्ड थ्रू द डेल्टिक प्लेन ऑफ बे ऑफ़ बंगाल जो मेन स्ट्रीम होती है इट फ्लो साउथवर्ड इनटू बांग्लादेश एंड इज ज्वाइन बाय ब्रह्मपुत्र और, और यहाँ पे जब ब्रह्मपुत्र गंगा जाती है पद्मा नाम से ब्रह्मपुत्र आती है जमुना नाम से दोनों मिलती हैं और बना देती हैं मेघना और मेघना आपकी फ्लो करती है बांग्लादेश के काफ़ी हैवी रीजन पे और फाइनली कहाँ पे चली जाती हैं तो सुंदरबन तो देखो दो ट्रिब्यूटरीज़ की डिस्ट्रीब्यूटरीज की बात हुई है यानी कि जो गंगा है इट बाई फर्की एट टू वन इज भागीरथी गंगा भी इसको बोल देते हैं और दूसरी होती है हुगली हुगली जाती है आपकी कहाँ पर दैट इज़ टू द जो वेस्ट बंगाल वाला एरिया है ठीक है उसके बाद सुंदरबन डेल्टा जो है इसका नाम कहाँ से आया सुंदरी ट्री से आया जो कि मार्शी लैंड मार्शी लैंड ऐसा एरिया होता है जहाँ पे मीथेन का लेवल काफ़ी हाई होता है सॉल्टी रीजन होता है मैंग्रोव्स यहाँ पे आपको देखने को मिलते हैं और वर्ल्ड का लार्जेस्ट एंड फास्टेस्ट ग्रोइंग डेल्टा जो है वो सुंदरबन ही है और रॉयल बंगाल टाइगर भी यहाँ पर आपको देखने को मिल जाते हैं इसके बाद जो लेंथ होती है गंगा की वो है टू किलोमीटर एंड अम्बाला जो है वो इसका वाटर डिवाइड आता है जो कि इंडस और गंगा को सेपरेट कर देता है प्लेन फ्रॉम अम्बा अम्बाला टू द सुंदरबन स्ट्रैच ओवर नियरली 1800 किलोमीटर और स्लोप जो होता है हार्डली 300 मीटर है बट स्टिल डिवाइड की तरह एक्ट करता है ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम की हम बात कर चुके हैं तो ईस्ट ऑफ मानसो एक ग्लेशियर लाया करता है जिसका नाम है चेम तो वहाँ से ओरिजिनेट कर जाती है तो काफ़ी क्लोज़ है जहाँ से सतलुज और इंडस आपकी निकलती हैं स्लाइडली लॉन्गर है इंडस से एंड इसका जो मेन कोर्स है वो इंडिया के बाहर ही देखने को मिलता है तिब्बत वाले रीजन में मिलता है ईस्टवर्ड फ्लो करती है ऐसे गई थी ना और जो नामचा बारवा याद है ना आपको नंगा पर्वत से लेके नामचा बारवा की बात करी थी तो नामचा बारवा जो विच इज़ लोकेटेड इन अरुणाचल प्रदेश कितनी हाइट है सेवन सेवन फाइव सेवन मीटर यहाँ पे यू टर्न लेती है ये रिवर बना था ना यू टर्न तो इस तरह से यू टर्न लेती है और अरुणाचल प्रदेश के अंदर एंटर कर जाती है एक गॉर्ज के थ्रू गॉर्ज क्या था दो पहाड़ और बीच से पानी आ जाएगा ठीक है सो दैट इज अ गॉर्ज तो यहाँ पे इसको बोलते हैं दिहांग और इसको ज्वाइन कर लेती है फर्दर दिबांग एंड लोहित और, लो और बहुत सारी ट्रिब्यूटरीज तो दिहांग बोल देते हैं इसको और कौन कौन ज्वाइन करता है दिबांग लोहित एंड मैनी अदर ट्रिब्यूटरीज ऑफ द ब्रह्मपुत्रा कोपिल याद होगा आपको सुबानश्री धनश्री Uh, तो ये सारी रिवर्स क्या करती हैं ट्रिब्यूटरीज़ बनाती हैं ब्रह्मपुत्र की तिब्बत के अंदर अगर देखें तो रिवर स्मॉल वॉल्यूम ऑफ वाटर कैरी करता है कम सिल्ट होती है और कोल्ड होता है और क्योंकि ऊपर तो ड्राई एरिया है टेम्परेचर लो है एंड जैसे ये हाई रेनफॉल से मीट करता है इंडिया के अंदर तो बहुत ज़्यादा सिल्ट आती है साथ में जो ब्रह्मपुत्र है हैज़ अ ब्रेडिड चैनल इन इट्स एंटायर लेंथ इन आसम एंड फॉर्म मैनी रिवर आ इन एलिंट्स एंड इसमें एक मैंने आपको माजुली के बारे में ऑलरेडी बता दिया हुआ है यहाँ पे लिखा भी होगा कहीं पे ठीक है एवरी ईयर जब रेनी सीजन होता है तो ये रिवर ओवरफ्लो कर जाती है और इससे आसम और बांग्लादेश के रीजन में काफ़ी ज़्यादा डिवास्टेशन देखने को मिली है यानी कि डैमेज देखने को मिल जाता है ड्यू टू फ्लड्स ह्यूज डिपॉजिट्स ऑफ सिल्ट देखने को मिलते हैं और जिसकी वजह से रिवर बेड राइज कर जाता है यानी कि ऊबर जाता है डिपोजिशन हो जाती है सिल्ट की इसके बाद हमने देखी पैनिनसूलर रिवर्स यानी कि इस वाले रीजन में नर्मदा तापी गोदावरी कृष्णा कावेरी महानदी ये सारी रिवर्स ठीक है तो ये रिवर्स आपको मिलेंगी कहाँ पे वेस्टर्न घाट से ओरिजिनेट होती हुई मैक्सिमम और कुछ जो होंगी Uh, जो मोस्ट ऑफ द मेजर रिवर्स हैं पैन की जैसे महानदी गोदावरी कृष्णा कावेरी तो ये ईस्ट वर्ड फ्लोइंग है मतलब बे ऑफ बंगाल के अंदर ड्रेन ऑफ कर जाती हैं और डेल्टास बनाती हैं अपने माउथ पे माउथ का मतलब है जहाँ पे ये ड्रेन हो रही हैं जिस सी के अंदर वहाँ पे क्या करेगी डेल्टा बनाएगी उसके अलावा नर्मदा एंड तापी हम देखते हैं ये ऐसी इंपॉर्टेंट रिवर्स हैं जो कि वेस्ट फ्लोइंग हैं और एश्चुरीज बना देती हैं ठीक है ठीके? तो जो ड्रेनेज बेसिन है इन पैनल रिवर्स का वो छोटा होता है इफ़ कम्पेयर टू तो द साइज डेल्टा काफ़ी बड़ा होता है एश्चरी काफ़ी छोटी मिलेगी आपको फिर नर्मदा बेसिन की हमने बात करी थी तो विध्यान रेंज थी ठीक है ऊपर क्या थी विन्ध्यान रेंज नीचे सतपुड़ा बीच से क्या फ़्लो कर रही थी नर्मदा रिवर कहाँ से ओरिजिनेट हुई थी अमरकंटक हिल से जो कि मध्य प्रदेश के अंदर है तो वेस्ट की तरफ चलती हैं रिफ्ट वैली है इस तरह से पहाड़ी मिलेगी इधर भी पहाड़ी बीच से ये चलना शुरू करती हैं रिफ्ट है ठीक है स्लांडिंग स्लोप है गॉर्ज की तरह नहीं गॉर्ज बिल्कुल ऐसे रेक्टेंगुलर सा बनाता है ये रिफ्ट वैली बनाती हुई चलती है और उसके बीच से नर्मदा रिवर आपको फ्लो करती हुई मिलेगी ये भी पिक्चर्स की लोकेशन देता है टूरिस्ट साइट है मार्बल रॉक्स जो कि आपके जबलपुर के पास मिलेगी जहाँ पे नर्मदा फ्लो करती है वहाँ पे एक डीप गॉर्ज है और एक फॉल भी मिलेगा आपको दैट इज़ धौल धुआंधार फॉल्स क्या है धुआंधार फॉल्स तो एक गॉर्ज भी मिल गया डीप गॉर्ज और धुआंधार फॉल भी मिल जाएगा जहाँ पर रिवर प्लंच कर जाएगी इन स्टीप रॉक्स और कुछ नोट होती हैं कुछ गायब हो जाती हैं उसके बाद आप देखोगे जितनी भी ट्रिब्यूटरीज़ हैं नर्मदा रिवर की वो बहुत छोटी छोटी हैं और मेन स्ट्रीम को ज्वाइन करती है एट एंगल यानी कि इस तरह से एंड नर्मदा बेसिन कवर्स पार्ट्स ऑफ मध्य प्रदेश एंड गुजरात मध्य प्रदेश और गुजरात का काफ़ी ज़्यादा हिस्सा ये कवर uh, करती है नर्मदा रिवर कंजर्वेशन मिशन भी स्टार्ट किया गया था मध्य प्रदेश के गवर्नमेंट ने बाय नेम दैट इज़ नमामी देवी नर्मदे इसके बाद तापी वेसिन आया तापी वेसिन हमने देखा था इस तरह से नर्मदा गई विंध्यान रेंज और सतपुड़ा रेंज है। वहीं पे सतपुड़ा रेंज से चलती है आपकी तापी रिवर विच इज़ लोकेट इन मध्य प्रदेश तो ये भी रिफ्ट वैली चलती है पैलर टू द नर्मदा इसका शॉर्ट लेंथ होता है एफ कंपेयर टू द नर्मदा और जो बेसिन है मध्य प्रदेश गुजरात और महाराष्ट्र वाले रीजन से जाती है तो नर्मदा आपके दो स्टेट से गई तापी आपकी तीन स्टेट से चली जाएगी जो कोस्टल प्लेन है बिटवीन वेस्टर्न घाट एंड अरेबियन सी काफ़ी नैरो है यहाँ पे जो कोस्टल रिवर हैं वो छोटी होती हैं और जो मेनली होती हैं ये वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स और भी वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स आपको मिल जाती हैं जैसे साबरमती माही भारतपूजा पेरियार ये सारी आपको कैसी मिल जाती हैं वेस्ट फ्लोइंग मिल जाती हैं सो so, गोदावरी बेसिन हमने देखा गोदावरी जो है वो लार्जेस्ट पेनिंग सोलर रिवर है वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट और ये क्या करती है इट राइजेस फ्राम द स्लोप्स ऑफ वेस्टर्न घाट्स नासिक का जो वेस्टर्न घाट वाला एरिया है वहाँ से ये ऑरिजिनेट की थी और इसके अलावा इसकी जो लेंथ रहती है वो 1500 किलोमीटर है बे ऑफ बंगाल के अंदर ड्रेन ऑफ कर जाती है इसका जो ड्रेनेज बेसिन है दैट इज़ आल्सो लार्जेस्ट अमंग द पेनिंग रिवर और जो बेसिन है ये कवर करता है महाराष्ट्र का मैक्सिमम हिस्सा 50 परसेंट एंड उसके बाद मध्य प्रदेश उड़ीसा आंध्र प्रदेश यहाँ पे भी देखने को मिल जाती है गोदावरी को फर्दर बहुत सारी ट्रिब्यूटरीज़ ज्वाइन करती हैं इसकी ट्रिब्यूटरीज़ का थोड़ा सा आइडिया रख लेना जैसे कि पूर्णा आ जाती है वर्धा प्राणहिता मांजरा वैन गंगा पैन गंगा ये सारी किसकी ट्रिब्यूटरीज़ हैं गोदावरी की एटलीस्ट नाम से आप अवेयर हों किसकी ट्रिब्यूटरीज हैं पूर्णा वारधा प्राणहिता मांजरा वैन गंगा पैन गंगा तो ये सारी की सारी ट्रिब्यूटरीज आ जाती हैं गोदावरी की ठीक है और जो लास्ट की तीन ट्रिब्यूटरीज हैं ये काफ़ी बड़ी हैं यानी कि मांजरा वेन गंगा एंड पेनगंगा क्योंकि इनकी लेंथ जो है वो काफ़ी ज़्यादा हिस्सा कवर करती हैं और इनको कलेक्टिवली बोल दिया जाता है दक्षिण गंगा उसके बाद हमने देखा महानदी बेसिन को छत्तीसगढ़ के हाईलैंड से ये जाती है और उड़ीसा वगैरह से ये फ्लो करते हुए बे ऑफ बंगाल में चली जाती है इसकी जो लेंथ रहती है वो 860 किलोमीटर के आसपास है और जो ड्रेनेज बेसिन है महाराष्ट्र में आएगा छत्तीसगढ़ झारखंड और उड़ीसा में देखने को मिल जाएगा इसके बाद कृष्णा बेसिन हमने देखा तो जो महाबलेश्वर आता है आपका पीक वहाँ से ऑरिजिनेट करती है कृष्णा रिवर फोर्टीन किलोमीटर तक की लेंथ है और बे ऑफ बंगाल के अंदर ये ड्रेन ऑफ कर जाती है कृष्णा के नीचे ही जस्ट तुंग रिवर भी इसकी मेन ट्रिब्यूटरी आती है और घटप्रवाह मूसी भीमा ये सारी इसकी ट्रिब्यूटरीज है इसका जो ड्रेनेज आता है वो महाराष्ट्र कर्नाटक आंध्र प्रदेश ये सारे शेयर करते हुए बेओ बंगाल में माउथ ओपन कर देती है ये रिवर फिर हमने देखा कावेरी बेसिन ब्रह्मगिरी रेंज वेस्टर्न घाट में तेल कावेरी रीजन भी जिसको बोला था तो जो तमिलनाडु का कोटा लोर वाला एरिया है वहाँ पे ये ड्रेन ऑफ कर जाती है 760 साठ किलोमीटर के आसपास इसकी लेंथ मिलती है ट्रिब्यूटरीज़ कौन सी आती हैं एक अमरावती भवानी हेमावती काबिनी अमरावती भवानी हेमावती काबिनी अमरावती भवानी हेमावती काबिनी और इसका जो मेन बेसिन है वो ड्रेन कर जाता है इन द पार्ट्स ऑफ़ कर्नाटका केरला एंड तमिलनाडु जो रिवर कावेरी है इट मेक्स द सेकेंड बिगेस्ट वाटरफॉल इन इंडिया जिसका नाम है शिवा समुद्रम फॉल क्या नाम है शिवा समुद्रम फॉल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर जनरेट होती है फ्रॉम द फॉल इज सप्लाई टू तो मैसूरू बेंगलुरु एंड कोलार गोल्ड फील्ड के और इसके अलावा इन मेजर रिवर्स के अलावा बहुत सारी छोटी छोटी रिवर्स भी हैं जो कि ईस्ट में ही फ्लो करती हैं जैसे कि दामोदर ब्रह्मानी बेतरानी एंड सुबर्ण रेखा ये सारी की सारी कुछ इंपॉर्टेंट रिवर्स आ जाती हैं इसके बाद हमने लेक्स के बारे में देखा जैसे कश्मीर में डल लेक वेरी इंपॉर्टेंट हाउस बोट्स यहाँ पे मिलती हैं शिखर जिनके ऊपर होते हैं काफ़ी ज़्यादा टूरिस्ट इनकी वजह से अट्रैक्ट होते हैं तो बोटिंग वगैरह वाटर गेम्स यहाँ पर आपको मिलती हैं देखने को एंड नैनीताल आ गई और भी टूरिस्ट प्लेसेस यहाँ पे मिल जाएंगे आपको वुलर लेक मिलेगी तो बहुत सारे टूरिस्ट साइट्स यहाँ पे मिल जाते हैं लेक्स ऑफ लार्ज एक्सटेंट जैसे कि सीज जिनको बोल देते हैं कैस्पियन सी बोलते हैं पर लेक का जो एक्सटेंट है वो बहुत बड़ा है सी की तरह लगता है इस वजह से इनको कैस्पियन सी बोला जाता है डेड सी आ जाता है वो भी एक लेक है एराल सी ये भी एक लेक है पर बहुत बड़े बड़े हैं दैट्स एक्सटेंट की वजह से इनको लेक्स बोल दिया जाता है और इनलैंड है ठीक है यानी कि चारों तरफ से कहीं ना कहीं वाटर बॉडी से सॉरी लैंड बॉडी से सराउंडेड है लैंड मास से सराउंडेड है इंडिया के अंदर आपको बहुत सारी लेक्स मिलेंगी कुछ परमानेंट मिलेंगी कुछ टेम्प्रेरी मिलेंगी यानी कि रेनी सीजन में ऑरिजिनेट करेंगी ठीक है कुछ आपको सेमी एरिड रीजन्स में भी मिलेंगी कुछ लेक्स आपने देखा ग्लेशियर से ऑरिजिनेट हुई थी तो ग्लेशियर लेक्स बोल दिया कुछ को हमने ऑक्सबो लेक बोला था जो मियार करते हुए कट ऑफ कर गई थी कुछ को हमने बोला था सॉल्ट जैसे कि चिली का लेक लगून वगैरह पुलिकट कोलेरू इनको हमने लगोन्स बोल दिया था यानी कि बड़ी लार्ज वाटर बॉडी से सेपरेट हुई थी एक छोटी सी वाटर बॉडी और क्यों हुई थी बिकॉज एक बैरियर आइलैंड आ जाता है बीच में जिसकी वजह से ये सेपरेट हो जाती है सांबर लेक राजस्थान में मिलेगी ये भी सॉल्ट वाटर लेक आ जाती है तो ये सारा का सारा वाटर जो होता है इन लेक्स का वो यूज़ होता है इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस सॉल्ट तो इस वजह से ये इंपॉर्टेंट थी बहुत सारी फ्रेश वाटर लेक्स जो हैं वो हिमालयन रीजन में मिलती हैं ग्लेशियल ऑरिजन की है यानी कि ग्लेशियर की मेल्टिंग की वजह से बनती हैं और बाद में जैसे जैसे स्नो मेल्ट करती है ये लेक्स का वॉल्यूम इंक्रीज़ करता रहता है वुलर लेक जो है जम्मू एंड कश्मीर में वो हमें टेक्टोनिक मिलता है टेक्टोनिक एक्टिविटी से ये बनी हुई है ठीक है लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है इंडिया के अंदर डल लेक आ गई भीमताल लेक आ गई अलोक बाराबानी ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल हैं फ्रेश वाटर लेक के फिर उसके बाद नेचुरल लेक्स के अलावा डैमिंग भी होती है रिवर्स की जैसे कुछ हाइडल प्रोजेक्ट्स चलते हैं और उसकी वजह से लेक बन जाती है जैसे भाखड़ा नंगल प्रोजेक्ट की वजह से गोविंद सागर लेक बनी हुई है सो इसको मैन लेक भी बोल देते हैं इसके अलावा जो लेक्स हैं वो काफ़ी ग्रेट वैल्यू की होती हैं टू ह्यूमन बींग्स इकॉनमी वाइज कैसे बूस्ट हुई बिकॉज ऑफ द टूरिस्ट अट्रैक्शन उसके अलावा हैवी रेन जब होती है तो फ्लडिंग वगैरह रोक देती हैं और ड्राई सीजन के टाइम पे पानी कमलेट कर रखती हैं तो जो फ्लो है वाटर का वो मेंटेन रहता है बिकॉज ऑफ द लेक्स लेक को हाइडल पावर प्रोजेक्ट्स के लिए यूज़ करा जाता है ठीक है मॉडरेट दे मॉडरेट द क्लाइमेट ऑफ द सराउंडिंग अच्छा मौसम हो जाता है एनहांस नेचुरल ब्यूटी एक्वेटिक इकोसिस्टम बना के रखता है रिक्रिएशन प्रोवाइड करता है टूरिज्म को बूस्ट करता है फंडामेंटल इंपॉर्टेंस है रिवर्स की भी थ्रू आउट द हिस्ट्री हमारी सिविलाइजेशन हुई बैंक ऑफ रिवर से शुरू है ठीक है इंडस वैली सिविलाइजेशन बोलते हो क्यों बोलते हो बिकॉज इंडस रिवर के साइड में हुई क्यों क्योंकि एक तो पानी वहाँ पर अवेलेबल है पानी अवेलेबल है सिल्ट कैरी करके आ रहा है सिल्ट आ रही है फर्टाइल ऑयल मिलेगी एग्रीकल्चर बढ़िया होगा तो सेटलमेंट्स हम देखते आ रहे हैं सिंस पास्ट की रिवर्स की साइड में मिलेंगी उसके अलावा इरीगेशन में पानी यूज़ हो रहा है नेविगेशन में हाइड्रो पावर जनरेशन में तो स्पेशल सिग्निफिकेंस देखने को मिलता है ठीक है सो मेजॉरिटी ऑफ इट्स पॉपुलेशन जो है आपको वो कहाँ पर मिलेगी रिवर्स की साइड में यूपी बिहार वाला क्यों पॉपुलेटेड है बिकॉज बहुत इंपॉर्टेंट रिवर जा रही है जिसका नाम है गंगा रिवर फिर रिवर पॉल्यूशन देखने को मिलता है डोमेस्टिक म्यूनसिपल एंड इंडस्ट्रियल एंड एग्रीकल्चरल डिमांड जो है वाटर के आ, कि इन सब चीज़ों के लिए वाटर की डिमांड राइज कर रही है एंड इंडस्ट्रियल वेस्ट कहाँ पे डाल दिया जाता है डायरेक्टली इनटू द वॉटर नमामि गंगे प्रोजेक्ट हमने देखा ठीक है नमामी रिवर नमामी रिवर नामदे उसका प्रोजेक्ट देखा मध्य प्रदेश की गवर्नमेंट ने चलाया था तो बहुत सारा पोल्यूशन हमें इमर्ज होता हुआ देखने को मिल रहा है इसी वजह से कॉन्जर्वेशन करने के लिए हम डिफरेंट प्रोजेक्ट्स चला रहे हैं और स्पेशली जो सीवेज वाटर होता है उसको अनट्रीटेडली भेज दिया जाता है इनटू द रिवर वॉडीज़ जिससे हो जाती हैं पोल्यूट तो प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्सरी ट्रीटमेंट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर सो दैट जो वाटर है वो साफ़ हो जाए और उसको फाइनली फिर रिवर वॉडीज़ के अंदर डाल दिया जाता है इवन जो एफिलंट होता है इंडस्ट्री से आता है वहाँ पे क्या किया जाता है जो गरम गरम पानी होता है ना उसको डायरेक्टली रिवो वाटर के अंदर डाल दिया जाता है जिसकी वजह से जो आप नोटिस करोगे क्या हो जाता है कि जो वाटर होता है वाटर बॉडी होता है वहाँ पे एकोटिक लाइफ की डेथ हो जाती है तो इस तरह से आप देखते हो रिवर पॉल्यूशन भी इमर्ज हो रहा है बट यहाँ पे अवेयरनेस की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है लोगों को पता नहीं क्या हो जाता है जैसे ही रिवर दिखती है तो कुरकुरे का पैकेट उसी में फेंक देते हैं ठीक है तो ये सारी चीज़ें जो हैं दे नीड टू बी कंट्रोल्ड एंड रिवर पॉल्यूशन को रोकना है तो यू कैन मैंशन डिफरेंट मेजर्स कैसे हम इस रिवर पॉल्यूशन को टैकल कर सकते हैं Uh, तो उसके बाद वुलर लेक कहाँ पे लोकेटेड है जम्मू एंड कश्मीर ये सारे क्वेश्चन आप अब कर सकते हो नर्मदा कहाँ से आई है अमरकंटक वो सारे क्वेश्चन सॉल्ट वाटर लेक पूछी हुई है सांबर लेक एंड ऑल ये सारे आप कर सकते हो आपको मैं पी दे दूँगी इन द टेलीग्राम चैनल अभी के लिए यहीं पर अप करते हैं आपके इस लेक्चर को शो इम्पॉर्टेंट लेक्चर था अगेन आई एम टेलिंग यू तो ध्यान से इसको कर लेना और पी uh, आप टेलीग्राम से ले लेना ठीक so, है सो थैंक यू एवरी वन बाइंड करते हैं एंड हैव अ नाइस डे